नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के दौरान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। महाराष्ट्र में नामांकन का आज आखिरी दिन, भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के लिए 4 सीट छोड़ने की घोषणा की। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख, 20 नवंबर को होगी दूसरे चरण के लिए वोटिंग। और धनतेरस के साथ ही आज से दीपावली महापर्व की हुई शुरुआत, बाजारों में छाई रौनक, लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। तो ये थी अहम सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेले को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सार्थक अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगा। देश भर में 40 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नए कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। नई भर्तियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर भी उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर 1,400 से ज़्यादा ई लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जो नई भर्तियों को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस हैं। और इसी बीच चलिए सीधा रुख कर लेते हैं सुख की बड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि केरल से सुख की बड़ी खबर सामने आ रही है। कासरगोड में वीरकावू मंदिर में कलियायाट्टम थेय्यम महोत्सव के दौरान आतिशबाजी हुई और इस आतिशबाजी में दुर्घटना में करीब 160 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि इनमें से करीब 100 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये दुर्घटना देर रात करीब 12:30 बजे हुई है, जब महोत्सव के लिए रखे गए पटाखों के पास में ही चिंगारी से आग लग गई। ज्यादातर लोग इसलिए घायल हुए क्योंकि भीड़ ने घटना स्थल से भागने की कोशिश की। दुर्घटना की वास्तविक स्थिति का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बचाव कार्य में समन्वय के लिए कासरगोड के जिला कलेक्टर और पुलिस प्रमुख भी वहां मौके पर मौजूद है। और तिरुवनंतपुरम से इस वक्त हमारे सहयोगी अजय जॉय इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस दुर्घटना को लेकर के? This unfortunate incident happened in northernmost district of Kerala, Kasaragod. The North Kerala is famous for its Theyyam ritual festival. Theyyam is basically a ritual dance represented by even the deities. So this is a grand occasion for the whole region to gather. So this is probably the most prominent temple in Kasaragod as well, famous for this ritual art, Kaliyattam. And the incident happened midnight around 12:20, the firework collecting meant for the festival suddenly caught fire from nearby park. While the Kaliyattam was happening, Kaliyattam is that same festival, while the Kaliyattam, the ritual dance was happening and the whole crowd was there, then the huge fireball emerged out of this nearby area. So people were so frantic and they tried to escape, and most of the injuries, as you said, happened during while trying to escape from the site. Right now, as far as what we understand, around 100 people have got them admitted to different hospitals.
up to 8 of them are reported to be serious. Number may go up also. This is what we understand from Kasaragod right now. जी अजय, अभी जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है, आपके पास वापस आते हो? अभी फिलहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर कल देर रात ये हादसा हुआ है और वाकई काफी भयानक ये तस्वीरें और काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त इस हादसे जो लोग घायल हुए उनके पीछे वजह क्या नजर आती है? जो पटाखों में चिंगारी लगी वो वजह है या फिर वहां पर जो भगदड़ मची वो नजर सामने आती है? एक्चुअली द रीजन मींस वो दोस वर मेंट टू गार्ड फायरवर्क कलेक्शन दे गॉट वेरी सीरियसली इंजर्ड एट द सेम टाइम दोस हु ट्राई टू एस्केप रियल स्टॉपिंग डिड नॉट अकर बट स्टिल a small scale of stampede really did occur and that added to the number of injured people in this unfortunate incident. Ji ajay, aakhir kitne log wahan par maujood the us waqt jab ye mahotsav tha? We are not sure about how many people assembled, but this is supposed to be a very grand festival in the region, so even people from the nearby district, from Kannur as well as the main district Kasaragod, many devotees. It runs with a company. So Kalyan is very grand occasion for the local people. So thousands of devotees were there in the five to witness the grand ठीक है अजय, आपके पास वापस आते हैं तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अजय जॉय, जिन्होंने बताया कि वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास में रहते हैं, वो सब लोग इस महोत्सव में शामिल होने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे। कल देर रात लगभग 12:30 बजे का वो वक्त था जब ये हादसा हुआ और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि और आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग तो वहाँ पर मौजूद हैं ही, लेकिन अचानक से जब पटाखों में आग लगी तो आग लगने के बाद वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका भी होता है और धमाका होने के बाद में वहाँ पर जो भीड़ उस वक्त दौरान वहाँ पर मौजूद थी, जो जिसमें हम देख पा रहे हैं कि कई सारे लोग इस दौरान वहाँ पर वीडियो भी बना रहे हैं अपने मोबाइल के ज़रिए, तो धमाके के बाद में जैसे ही ये धमाका होता है तमाम लोग वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, वहाँ से भागम भाग लोग निकलने की कोशिश करने लगते हैं और इसी बीच ये हादसा होता है जिसमें 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। 160 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं जिसमें से 8 की हालत काफ़ी गंभीर भी बताई जा रही है और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक था कि लोग काफ़ी सारे वहां पर मौजूद हैं जो अपने मोबाइल के ज़रिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अचानक से यहां पर एक धमाका होता है और उस धमाके के बाद में वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। हमारे सहयोगी अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, फिलहाल 160 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्या कुछ अभी स्थिति है वहाँ पर? Right now at the venue, things are getting in order right now. What a major demand permit, etc. That's what we understand. So of course there was no permit basically for the firework, and this is one report that's coming from this area. So there are two sides to this. One working says because the firework is not of that grand scale which demand such permit from district administration. So it could be a reason of the lack of safety protocol all over in this area. But the situation is that the leaders of the Anusambalam, Peru Veerakav temple, where this Kalyatham festival happened, the festival here heralds the season for this year's theme. चलिए ठीक है अजय, शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखें तो ये हादसा वाकई बहुत भयानक था और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि 160 से ज़्यादा लोग अभी घायल हैं जिनमें से 8 की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है और उन्हें जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पर उन्हें एडमिट कराया गया जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं।
आज धन्वंतरि जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। 29 तारीख को हमारे ये जो हमारा आयुर्वेद संस्थान है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद पधार रहे हैं और उनके कर कमलों द्वारा यहाँ का जो हमारा फेज 2 उसका भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग को बढ़ावा देते हुए 11 तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन सेवाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने के लिए YouWin पोर्टल का आगाज करेंगे। इस ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर 12 वैक्सीन निवारणीय बीमारियों के खिलाफ जीवन रक्षक टीके लगाए जाएंगे। भारत में यूनिसेफ प्रतिनिधि सिंथिया मैककेफरी और UNDP इंडिया में रेजिडेंट प्रतिनिधि डॉक्टर एंजेला लुसगी ने केंद्र सरकार की इस पहल की तारीफ की है। वहीं पूर्व स्वास्थ्य सचिव ने भी कहा है कि YouWin पोर्टल से गर्भवती महिलाओं के पास शिशुओं की टीकाकरण की जानकारी मोबाइल पर SMS सेवा के जरिए उपलब्ध होगी। नया IT पोर्टल है YouWin, इसमें SMS भेजने की भी व्यवस्था है। ये SMS माताओं के मोबाइल नंबर पर आएंगे कि अब आपके बच्चों का फलाने टीके का समय हो गया है। दूसरी व्यवस्था ये है कि कुल जो कोहोर्ट है यानी लाभान्वितों का समूह है, उसका किसी भी समय आप पोर्टल पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। India continuing to build on its leadership and its investment in children. UN First is advancing with equity India's children's rights by creating a portal that reaches them, as you said, with universal immunization. UN empowers communities by enabling families to schedule immunizations on their time frame. The UN platform is a digital registry, and it's very useful because it's an electronic register for every new mother and newborn child, which helps track their immunization from birth. Now, it's very unique because every new mother and child gets a unique identifier, which means that if they move from one part of the country to the other for work, for instance, they're still able to access immunization from any healthcare facility. प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया के विजन के अनुरूप चिकित्सा उपकरणों और थोक दवाओं के लिए PLI योजना के तहत 5 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा परीक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एक नए जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इस जन औषधि केंद्र में 2000 से ज्यादा गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाएं और 300 से ज्यादा सर्जिकल उपकरण बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। इस जन औषधि केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने, आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री 29 अक्टूबर को एम्स के अंदर ये जन औषधि केंद्र है, इसका उद्घाटन करेंगे। और ये जन औषधि केंद्र एम्स कैंपस में बना हुआ है, जहाँ पर राजकुमारी अमृत कौर OPD है, उससे ठीक सटा हुआ है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी एम्स में दिखाने मरीज आते हैं, OPD में तकरीबन हर दिन 12 से 15 हज़ार मरीज आते हैं, तो उनको यहाँ पर जो डॉक्टर दवा लिखेंगे एम्स के, वो सारी दवाइयाँ यहाँ पर मिलेगी। इस जन औषधि केंद्र में लगभग 2000 से अधिक दवाइयाँ और 300 से ज़्यादा सर्जिकल उपकरण उपलब्ध रहेंगे और बहुत ही सस्ती दर पर यहाँ पर दवाइयाँ मिलती है। कम से कम 50 से 90% तक सस्ती दवाएं यहाँ मिलती है। तो आप सोच सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ के मरीज़ हो, कैंसर के मरीज़ हो, हार्ट के मरीज़ हो, या बाकी दूसरी जो बीमारी है
उनके मरीज हैं उनको यहाँ पर बहुत ही सस्ती दवाइयाँ मिलेगी। और ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि मरीजों को सबसे ज़्यादा जो इलाज पे जो खर्च होता है वो दवाइयों में होता है, और जब जनऔषधि केंद्र एम्स में खुल रहा है तो उससे फ़ायदा मरीजों को होगा और उनको उनकी जो जेब पर कम बोझ पड़ेगा। इस तरीके की जो जनऔषधि केंद्र है पूरे देश भर में करीब करीब 14,000 से अधिक बन गई है, और अगले 2 साल में 25,000 जनऔषधि केंद्र खुलेंगे देश भर में जहाँ सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी 50 से 90% तक की। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हर दिन करीब करीब 1,000 जो मरीज हैं वो यहाँ से दवाई खरीद सकते हैं। ये इस तरह की कैपेसिटी रखी गई है कि 1,000 लोग भी अगर खरीदते हैं तो कोई उनको दिक्कत ना हो। आप देखिए बहुत ही अच्छा काउंटर बना हुआ है, कई सारे काउंटर हैं जहाँ पर मरीज आकर के इत्मीनान से वो दवाइयाँ ले सकते हैं। और इस तरह आप देखिए विनय हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि जो जनऔषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन भी मात्र 1 रुपये में मिलता है, जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही किफ़ायती दर पे सैनिटरी नैपकिन भी मिलता है यहाँ पर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ही देखिए बाजार के ब्रांड जो है उनसे 75% तक सस्ती दवाएँ ये जो सैनिटरी नैपकिन है यहाँ पर मिलता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, जो भी मरीज एम्स में इलाज कराने आएंगे उनको सस्ती दर पे इस जनऔषधि केंद्र से दवाइयाँ मिलेगी। कैमरामैन विनय के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, एम्स दिल्ली। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राजधानी नई दिल्ली में जहरीली हवाओं का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कई इलाकों में हवाओं में घुलते जहर ने लोगों की सांसों पर हमला करना शुरू कर दिया है। एयर पॉल्यूशन की वजह से लोगों की आंखों में जलन हो रही है, खांसी और खराश से भी लोग बेहद परेशान हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI की बात करें तो हाल ही में ये बेहद खराब श्रेणी में पहुँच गया था। अगर राजधानी दिल्ली में आज सुबह के एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो नरेला में 313 AQI रहा, वहीं अलीपुर में 306, मुंडका में 338, सोनिया विहार में 313 AQI दर्ज किया गया, आनंद विहार में 314 AQI दर्ज किया गया, जहांगीरपुरी में 306 और वजीरपुर में 309 AQI दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में इसकी और बढ़ने की आशंका है। और आगे बढ़ते हुए बुलेटिन में अब बात करेंगे आज के पर्व की। जी हां, आज धनतेरस का पर्व है और इसी के साथ दीपावली के उत्सवों की भी शुरुआत आज से हो चुकी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा आराधना की जाती है। आज के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज से दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो गई है। आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी का दिन है। कैसे करते हैं भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना और क्या है शुभ मुहूर्त, साथ ही क्यों ही आज ही हम खरीदते हैं सोना चांदी या बर्तन, आइए जानते हैं। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत धनतेरस का पर्व करता है। धनतेरस आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया था। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने भगवान धन्वंतरी से ही चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। 5 धातु जिनकी बड़ी भूमिका है स्वास्थ्य के बारे में, वो है तांबा, कांसा, पीतल, सोना और चांदी। इनके बर्तनों में भोजन करने से, भोजन पकाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है। 29 तारीख को 2 बजे से दोपहर से लेकर 3:31 तक ये कुंभ मुहूर्त है, जो स्थिर लग्न है, उसमें खरीदारी आप कर सकते हैं तो आपकी संपत्ति आपके घर में टिकेगी। एक वृष लग्न का मुहूर्त है 6:36 शाम से लेकर 8:32 तक। भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए आज के दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदना भी शुभ मानते हैं। आज के दिन भगवान धन्वंतरी से सुख और समृद्धि के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की जाती है। कई स्थानों पर आज से 5 दिन तक घर के आंगन और दरवाजे पर रंगोली बनाने की भी प्रथा है। आज से 5 दिन तक हम दीपावली का उत्सव मनाएंगे, यानी दीप जलाएंगे।
जिससे वातावरण में तो सकारात्मकता आएगी ही आएगी, साथ ही समृद्धि भी बढ़ेगी। और आज का दिन एक महत्वपूर्ण बात को भी याद दिलाता है कि हमारे जीवन में धन और स्वास्थ्य का संतुलन होना बेहद आवश्यक है। दोनों में से एक भी यदि हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारा जीवन सुखद व्यतीत नहीं हो सकता है। दोनों का ही हमारे जीवन में बेहद महत्व है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीजी न्यूज दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी शहला के साथ। नमस्कार।